गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम मुख्तार अहमद शेख, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसायन बरौज प्रयागराज। टुडे वी डिस्कस अबाउट द बीएससी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सिलेबस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सो दैट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ऑलरेडी यू नो दैट द चैप्टर अबाउट इट। तो फर्स्ट एट ऑल वी कैन इंट्रोडक्शन अबाउट इट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर लाइक ए साल्ट। यह एक प्रकार का नमक होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर लाइक ए साल्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साल्ट? साल्ट्स आर दोज व्हिच हैव नाइदर एसिड नॉर बेस। मीन्स दैट those compounds which are not remove the hydrogen ion, hydrogen cation, and not remove the OH minus ion, then will be known as salt. लवण वो कहलाते हैं जिसके पास, जिसको हाइड्रोलाइज कराया जाए तो उसमें से न तो हाइड्रोजन आयन निकले और न तो हाइड्रोक्साइड आयन निकले। मीन्स हाइड्रोजन एच प्लस ना निकले और न तो OH माइनस मौजूद हो, तो वह लवण कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार। देर आर थ्री टाइप ऑफ साल्ट। साल्ट तीन प्रकार के होते हैं, लवण तीन प्रकार के होते हैं। ए पॉइंट इज सिंपल साल्ट, साधारण लवण, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl यू हैव ऑल्सो NaCl, हियर नॉट द प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड OH, ओनली Na एंड Cl। यानी यहाँ पर न तो OH प्लस है और न तो यहाँ पर OH माइनस है, इसलिए यह साल्ट कहलाएगा और यह एक सिंपल साल्ट है NaCl। बी पॉइंट है डबल साल्ट, द्वितीयक लवण, डबल साल्ट, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एलम। पोटेशियम एलम जिसे हम फिटकरी कहते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड इंटू 24H2O। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि K2SO4 है, इसमें भी ना तो H प्लस है और ना तो OH माइनस है। उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइड है, ना तो यहाँ H प्लस है, ना तो यहाँ पर OH माइनस है, फिर डॉट 24H2O। तो मीन्स दैट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दो साल्ट हैं। K2SO4 एक अलग सा साल्ट है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शनट है H प्लस OH माइनस, और Al2SO4 का होल थ्राइड यह एक अलग प्रकार का साल्ट है, यह अलग है। दोनों को एडिट किया गया है तो यह क्या बन गया, डबल साल्ट हो गया। तो आपने देखा कि यह डबल साल्ट हो गया। सी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फॉर एग्जाम्पल K4FeCN का होल सिल, यह एक डबल साल्ट है, यह एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसमें भी साल्ट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ना तो H प्लस आयन होगा और ना तो OH माइनस आयन होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इस प्रकार का साल्ट होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, इट हैव ए स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ा कोष्ठक। जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर रहेगा, एक बड़ा कोष्ठक जरूर रहेगा। पहली पहचान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, पहली पहचान यह है कि उसमें एक बड़ा कोष्ठक जरूर रहेगा। मैथ गणित का जो बड़ा कोष्ठक होता है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, यह जरूर रहेगा। अगर यह है तो वह कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा और साथ ही साथ वह ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। तो पहली सर, पहली पॉइंट में लिखा है इट हैव ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक बड़ा कोष्ठक होता है। दूसरी चीज है, दूसरी पॉइंट है, बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्पेस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच का जगह होगा, बीच का जगह, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। तीसरी पॉइंट है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग ए सेंट्रल मेटल
एटम विच इज केटायन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जगह पर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो केटायन होगा। मेटल ऑलवेज केटायन, धातुएं हमेशा केटायन होती हैं। दो धातुओं को टकराने पर आवाज आती है, धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, धातुओं में एक प्रकार का चमक होता है। और सबसे बड़ा लक्षण तो यह होता है कि जब हम किसी भी धातु के अंदर विद्युत का संचालन कराते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का सुचालक हुआ करता है। तो यहाँ पर यह हुआ कि चौथा पॉइंट देखिएगा, दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर एनायन आर न्यूट्रल कोऑर्डिनेट द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ लिख रहा है कि दोज मॉलिक्यूल वो अणु व्हिच आर एनायन आर न्यूट्रल, जो एनायन हो या फिर न्यूट्रल हो, अगर वो कोऑर्डिनेट द सेंट्रल मेटल एटम, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Cn है और यह Cn की संख्या 6 है और यह सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। फिर पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहता है और पूछ लेता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जो लिगेंड की संख्या है वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर साइनाइड एक प्रकार का लिगेंड है लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 6 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर कोई भी आपसे पूछे या किसी भी पेपर में पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयरन इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ K4FeCN6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आप कैसे जानेंगे कि K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप यहाँ देख सकते हैं कि यह दोनों क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच की जगह जो होती है यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुछ लिगेंड लगे रहते हैं, कुछ संकुल लगे होते हैं, यानी इसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, इसे समन्वित करते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंडों की संख्या को हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और इस प्रकार से यह एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो हाँ गाइस, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम विद सोल्यूशन, प्रॉब्लम विद सोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात आपको बता रहे हैं। अज्यूम दैट CONH3 का होल सिक्स 3+ कोबाल्ट हेक्सामीन, ये कॉम्प्लेक्स केटायन है और इसमें पूछ लिया कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी संख्या 6 है और यह 6 अमोनिया इस कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमने आपसे बताया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम, माने कि कितने लिगेंडों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समन्वित कर रहे हैं, वही उसकी संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स केटायन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंडों की संख्या क्या है, 6 है। तो सो दैट हमने लिखा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू 6, बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं NiCl4 2-, है ना, यह भी कॉम्प्लेक्स एनायन ही है। यहाँ पे पूछ लिया कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, किसकी, निकिल की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकिल इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया।
जैसे NICN का हॉल 4-2-1, इसमें पूछ लिया कि निखिल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हमेशा आप किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड देखा करिए कि लिगेंडों की संख्या क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोच थ्रू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी समन्वित यौगिक के अंदर कितनी संकुल उसको समन्वित कर रहे हैं उसी की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। लास्ट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिस फॉर्मूला है यहाँ पे TiH2O का होल 6 है, 3 केटायन है यहाँ पे। अब इसमें पूछ लिया कि टाइटेनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी संख्या कितनी है, 6 है, इसलिए यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड दोज आर अप्रोच बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लियर, इसमें कोई सस्पेंशन नहीं है और इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एवरी ईयर पूछा गया है, वर्नर की थियोरी, इसकी चर्चा करते हैं। वर्नर की थियोरी क्या हुई और क्यों लागू हुआ, हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, या जैसे मान करके चलिए कि मिट्टी को अगर हम पानी में डालें तो ऑलरेडी पानी गंदा हो जाएगा, और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि मिट्टी का कुछ भाग उस बर्तन के अंदर तेजी पर बैठ गया, पानी साफ हुआ, बट पानी उतना साफ नहीं हुआ है कि हम उसे पी सकते हैं या पहले जैसा लिए थे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी उस पानी को गंदा की, उसी तरीके से अगर मिट्टी कलर रही होती, रंगीन रही होती, तो ऑलरेडी उस पानी को कलर कर देती। आपने देखा होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FICN का होल 6, या किसी भी कंपाउंड को आप इसमें से ले लीजिएगा, किसी को भी, ये सभी कंपाउंड कलर कंपाउंड हैं। कलर यानी इनको आप पानी में जैसे ही डालोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, वह अपने आप को तोड़ेंगे और तोड़ करके पूरे पानी को कलर कर देंगे। तो यह बात क्लियर नहीं हो रही थी कि जो पानी का कलर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CuNO3 का होल से CF3 है। अब इसे हम वाटर या वाटर लाइक सॉल्वेंट के अंदर, पानी या पानी जैसे विलायक के अंदर जब डालते हैं, पानी किसी भी चीज़ को घोलती है इसलिए वह विलायक कहलाती है। पानी हर एक चीज़ को तोड़ने का काम करती है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी होता है, तो पानी तोड़ेगा। तो ऑलरेडी जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, हम देखेंगे कि हेक्साएमीन कोबाल्ट ऑलरेडी घुलना शुरू होगा और पूरा का पूरा विलयन कलर हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर 1893 से पहले यह आती थी कि वह कलर किसकी वजह से आ रहा है। हालांकि यह पूरा कम्प्लेक्स बनने में Cl भी मौजूद है, अमीन अमोनिया भी मौजूद है, कोबाल्ट भी मौजूद है, तो वैज्ञानिक यहाँ पर यह तर्क जानना चाह रहे थे कि जो इसका कलर आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है कि इसकी वजह से आ रहा है, यह क्लियर नहीं हो पा रहा था। 1893 में वर्नर आते हैं, वर्नर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उन्होंने यह बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो ऑलरेडी उसके अंदर दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर, मैंने आप पहले वीडियो में क्लियर किया था और आज भी बता रहा हूँ आपको कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, उसके साथ कुछ लिगेंड लगे होंगे, उसके साथ उनकी संख्या होगी, ये तरीका होगा। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगा उसे प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। प्राइमरी वैलेंसी या इसे अनाइजेशन स्फीयर या इसे काउंटर आयन भी कहते हैं। यहाँ पर कंपटीशन के तौर पे जो सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, चाहे नीट हो, CTMT वगैरह या PMT या आपके IIT वगैरह में, सबसे पहले काउंटर आयन पूछ लेता है कि काउंटर आयन क्या होता है, क्योंकि यह अच्छी किताबों में मौजूद रहता है। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, काउंटर आयन हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो एरिया है जिसे हम अनाइजेशन स्फीयर कह रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कह रहे हैं, यही काउंटर आयन है। क्यों काउंटर आयन किया, क्योंकि इसके आयन को गिना जा सकता है और इसी के ही वजह से कलर आ रहा है। जैसा Cl3 की बात करें,
तो Cl3 जैसे ही पानी में घुलेगा Cl रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही Cl रिमूव होगा तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑलरेडी वो जब जाने लगेगा तो कौन सा चार्ज लेकर के जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेकर के जाएगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज लेकर के जाएगा तो जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स होगा वो केटायन बन जाएगा। जैसे आप यहाँ से 3 Cl अगर हटा देंगे तो इसका मतलब कि 3- जा रहा है, और 3- जाने का मतलब यह होता है कि यहाँ पे 3+ जनरेट होगा, और वह 3+ टोटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है जो टूटने लगता है तो ऑलरेडी उसकी प्राइमरी वैलेंसी टूटने लगती है। तो वर्नर ने 1893 में यह बताया था, इन 1893 वर्नर प्रपोज्ड ए थियरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस। इन एनी कॉम्प्लेक्सेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने बताया कि 1893 में वर्नर ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है या कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की संयोजन कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे हम प्राइमरी बैलेंसी प्राथमिक बैलेंसी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी बैलेंसी। इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं CONO3 का हॉल से Cl3। अब इस केस में Cl3 क्या है, प्राइमरी बैलेंसी है या अनाजेबल स्फीयर है, या इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। अब उसके अंदर जो बीच की जगह है जहाँ पे हमारा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, द्वितीयक वैलेंसी यानी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। आपको डिटेल बता दें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ए पॉइंट लिखा हुआ है, ए पॉइंट पर आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑब्लिक स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वह स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जगह होता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जगह होता है। बी पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज अनाजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल, यह अनाजेबल होता है, इट इज अनाजेबल नहीं सॉरी इट इज नॉन अनाजेबल इट इज अनाजेबल, हाँ ठीक है, यह अनाजेबल होता है एंड नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये टूट जाता है और इसकी टूटने की कोई दिशा नहीं होती है। इट इज डिनोटेड बाई डॉटेड लाइन, इसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो अधिस राशियाँ होती हैं डॉट होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है उसे हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। डी पॉइंट है, इट विल बी चेंज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, इन्हें हम बदल सकते हैं किसमें, यानी हमेशा प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी की क्राइटेरिया हम देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, इट इज नॉन अनाजेबल, यह आयन में नहीं टूटती है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी जगह थी वह नॉन अनाजेबल थी, वह टूटती नहीं थी, और जब वो टूटेगी नहीं तो भी तो हम नॉन अनाजेबल कहेंगे, है ना, तो इट इज नॉनाजेबल, यह टूटेगी नहीं। बी पॉइंट है, इट इज डायरेक्शनल, इसके इलेक्ट्रॉन देने की एक दिशा होती है, एक एक्सिस होता है, एक एक्सिस पर वह इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है ना, इट इज डिनोटेड बाई फोल लाइन, इसे हम फोल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिया था आपका CONO3 का हॉल 6 Cl3 लिया हुआ था, तो यहाँ पे CO है 6NO3, 1 2 3 4 5 6 NO3 भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए प्राइमरी, ये देखिए फुल लाइन से प्रदर्शित हैं, तो फुल लाइन से प्रदर्शित हैं इसलिए यह क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएंगे, है ना, और फिर डॉटेड लाइन से मैंने प्रदर्शित किया 3 Cl को, तो यह इसलिए यह क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अब आप अगले वाले स्टेप में देखिएगा कि किस तरह से उसने प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को रिमूव किया, तो जब एक NO3 को रिमूव किया तो कितने बचे भाई, 5 बचे हैं, आप 5 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बच गए हैं, और प्राइमरी वैलेंसी जो थी वह सेकेंडरी वैलेंसी में आ गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ फुल लाइन से भी प्रदर्शित है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी में भी बदल गई है। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आगे वाले में कि यहाँ पर मैंने इसी स्टेप के तहत धीरे धीरे यानी 3 NO3 आराम से रिमूव हो जाते हैं और 3 Cl जो होते हैं आसानी के साथ प्राइमरी से सेकेंडरी में बदल जाते हैं और इसी ही विलयन के अंदर पड़े रहते हैं। तो इस तरह से वर्नर ने अपना यह सिद्धांत बहुत ही अच्छा दिया हुआ था, और इसका एप्लीकेशन यह था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को कैसे राइट करेंगे, प्राइमरी में कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी को कहाँ रखेंगे, प्राइमरी को कहाँ रखेंगे। तो वर्नर की
इस खोज के कारण इन्हें 1913 में, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, 1913 में वर्नर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया और यह दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें इनऑर्गेनिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। Here we will discuss effective atomic number. They are very important for the BSc second year and third year. Effective atomic numbers. EAN, short form, any complexes which are containing the 36 electron. कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी जटिल यौगिक, अगर उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं काउंट करने पर, तो वह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करता है। इफेक्टिव एटॉमिक रूल का रिकमेंड क्यों पड़ा, ऐसा क्या कारण था कि क्वाड्रेशन कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को लाना पड़ा? देखिए, कोई भी परमाणु हो, दुनिया का कोई भी सूक्ष्मतम कण हो जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु हमेशा रिएक्शन में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। एटम्स आर दोस विच आर ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, देर आर नो फ्रीडम पोजिशन। वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसी का नाम परमाणु होता है। आखिर परमाणु रिएक्शन में भाग क्यों लेता है, उसको क्या ऐसी समस्या होती है? देखिए, परमाणु हमेशा तीन कणों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो कोई भी परमाणु चाहता है कि वह अस्थायी हो जाए, और अस्थायी होने के लिए, उसे स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी परमाणु अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो प्राप्त कर लेता है अपनी बाहरी कोश में, तो वह अस्थायी हो जाता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वेरी सिंपल हुआ करते हैं, बहुत ही साधारण हुआ करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सभी हमारे पास अक्रिय धातुएं हैं, अक्रिय एटम हैं, अक्रिय गैसें हैं, क्योंकि इनके पास अष्टक होता है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इसी 8 होने की वजह से ही तो बांड बनाता है, और जैसे ही उसका 8 हो जाता है वह किसी से बांड नहीं बनाएगा, है ना, किसी से शेयरिंग नहीं करेगा। तो उसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हीलियम के पास मिनिमम, या हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन हीलियम के पास नियान आता है, उसके पास कितने हैं, 10 हैं, जिसे हम 2 और 8 लिखते हैं, आर्गन के पास 18 है। तो आप देखते होंगे कि हमने इसीलिए बोला कि कोई भी परमाणु के पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वह सिंपल यौगिक के लिए है, सिंपल कंपाउंड के लिए है। लेकिन जब कंपाउंड हमारे पास 18 वाले होने लगे, आप देखा हीलियम 18, 36 क्रिप्टॉन, 54 ज़ेनॉन, 86 रेडॉन, तो ये सब क्यों बने हुए? हाँ, कुछ ऐसे भी लोग, जैसे 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 36 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि इसे क्रिप्टॉन के बराबर होना चाहिए। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हमारे पास है जिन्हें, जो 36 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें, जिनकी टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग की जाए तो वह 36 हो जाए। अगर वह 36 हो जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करते हैं। हर साल इस पर न्यूमेरिकल आता है, पूछता है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू, या पहले तो ऐसे पूछ लेता है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, है ना, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को परिभाषित करिए, उसको बताइए क्या होता है और इसके उदाहरण दीजिए। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और या तो आपको पूछ लेते हैं, एग्जांपल दिए रहते हैं और कहते हैं कि इसमें आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए कि इसकी संख्या क्या होगी। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर 5 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, तो 5 नंबर के भी हो सकते हैं, या 10 नंबर में इस क्वेश्चन इस 2 मार्क्स के हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे पूछते हैं और इसको कैसे हल करते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स यह बताता है कि आपको फार्मूले तैयार रहने चाहिए। अगर आपको फार्मूले तैयार हैं, तो आप उस पर किसी को भी पुटअप करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके फार्मूला है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी सेंट्रल मेटल एटम इक्वल द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसका द एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की जो संख्या है वो, प्लस यानी सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि 2 का गुणा करेंगे, जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड में 2 का गुणा कर देंगे, और जो उस केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा उसको ले लेंगे,
उस टोटल सम ऑफ जो आएगा वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की शर्त होती है कि 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया, 36 के बजाय 34 आ गया, या मान लीजिए 35 आ गया, या 36 के एबव 37 आ गया, 38 आ गया, 39 आ गया, तो यह ऑलरेडी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं CONH3 का होल से 3+, है ना। मैं एक कम्प्लेक्स केटॉन ले रहा हूँ और उसमें पूछ लिया कि बताइए कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले गाइज आप ये किया करिए कि जो आपको न्यूमेरिकल मिले या जो आपको सोल्यूशन मिले, आप उसको सोल्यूशन को कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले आप ऑलरेडी उसमें ऐसे प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते समय आप सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या है, लिगेंड है। तो आपको यह जानना होगा कि जो यहाँ पर लिगेंड है उसका नेचर क्या है, यानी आपको नेचर ऑफ लिगेंड भी जानना होगा कि लिगेंड एनायन है कि लिगेंड न्यूट्रल है। नेवर विल बी केटायन, लिगेंड कभी भी केटायन नहीं होता है, लिगेंड हमेशा जब भी होता है एनायन होता है, ऋणात्मक होता है, वो धनात्मक नहीं होता है। क्योंकि अगर लिगेंड धनात्मक होगा तो फिर धातु से कैसे जुड़ेगा, क्योंकि एक ऋण एक धन को ही तो जोड़ पाता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच में आकर्षण तभी होगा जब वह एक दूसरे के विपरीत आवेश में रहेंगे। जैसे अगर कोई धन है तो वह ऋण को आकर्षित करेगा, अगर कोई ऋण है तो वह धन को आकर्षित करेगा, अगर सेम चार्ज होगा तो वह रिपल्सन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि लिगेंड या तो न्यूट्रल होंगे या तो निगेटिव होंगे, वह केटान कभी भी नहीं हो सकते हैं। और धातु जो होता है वह हमेशा केटान होता है। धातु अधातु की पहचान हम आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग बता रहे हैं। जो धातुएं होती हैं वह ठोस होती हैं, चाहे वह सोना हो, चाहे वह चांदी हो, चाहे वह तांबा हो, चाहे वह लोहा हो, ये ऑलरेडी ठोस होती हैं। यानी मेटल्स ऑलवेज सॉलिड, मेटल हमेशा ठोस होती हैं। धातुओं को टकराओगे, दो धातुओं को लड़ाओगे, टकराओगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। मेटल्स ऑलवेज स्ट्राइक्स टू द ईच अदर विल बी वॉइस, आवाज़ होगा उसमें। धातुओं को अंदर, धातुओं के अंदर चमक होता है, है ना, सोना हुआ चांदी हुआ इसमें चमक पाया जाता है। और सबसे बड़ी करेक्टर धातु की होती है, इट इज़ द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया का कोई भी धातु होगा अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसमें ऑलरेडी, जिसको हम देख करके कहेंगे कि धातु के लक्षण नहीं है, लेकिन वो धातु हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन की रॉड जो पेंसिल में यूज होती है उसमें चमक नहीं है, उसे हम नीचे फेंकेंगे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। दूसरी बात, अधातुएं क्या हैं, अधातुएं ठोस अक्षर नहीं होती हैं, उसमें चमक नहीं होता है और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे अधातुएं हैं जिसमें चमक है, जैसे हीरा, हीरा की बात करें, डायमंड की बात करें तो उसमें चमक होता है और वह धातु नहीं है, जबकि उसका करेक्टर धातु का बता रहा है। तो हीरा क्या है, हीरा ऑलरेडी अधातु है, क्यों, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हम यह क्लियर हो गए, जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वह हमेशा केटान होते हैं। और मैंने आपसे बताया कि यह सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु प्रमाण है। सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। तो हमें देखिए, मैंने इसको x मान लिया है। अब उसके बाद यह लिगेंड है, लिगेंड यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसकी संख्या क्या है, 6 है। और पूरे कॉम्प्लेक्स का केटान कितना है, +3 है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि किसी भी डिजिट का 0 पे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, +3। तो इस प्रकार से हमने पाया कि जो कोबाल्ट था उसके ऊपर +3 केटान आ गया, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी धातु के ऊपर जितना केटान आता है उससे यह साबित होता है कि वह परमाणु अपनी बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है। क्योंकि आपने बेसिक कक्षाओं में 6, 7, 8, 9 में पढ़ाया है, आपके सामने आपको अच्छे से पढ़ाया कि
कोई भी धातु अपनी बाहरी ही कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और जैसे ही वो अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसके ऊपर धनायन आ जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना धनायन आ जाता है। इसका मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर ऋणायन आ जाता है, जितना लेता है उतना ऋणायन आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस तीन आ रहा है, तो इसका मतलब कोबाल्ट जब अमोनिया से कोऑर्डिनेट हो रहा था, उसको एडजस्ट कर रहा था, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में अमोनिया के द्वारा पेड़ का इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए कोबाल्ट ने अपने 27 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है। तो फिर टोटल एटॉमिक नंबर कितने हो गए इसके, 24 हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल द नंबर ऑफ सेंट्रल द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर मिला कोबाल्ट का, 24 मिला है, तो 24 ये हो गया, और फिर उसके बाद 2 का गुणा, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया हुआ है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 हो गए। तो 24 प्लस 2 छंग 12, तो टोटल 24 और 12 कितने होंगे, 36 हो गए। और यह 36 इलेक्ट्रॉन यह प्रदर्शित कर रहा है कि CO NH3 का होल से 3 प्लस फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरे एग्जांपल को हम देख लेते हैं, उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम जितने एग्जांपल हम हल करेंगे मेरी प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा होगी, और ऐसे न्यूमेरिकल्स जनरली पेपर्स में पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया K4Fe3N का होल 6, व्हाट इज द फॉलो अप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या यह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, न तो कोई केटान है न कुछ है, तो सबसे पहले तो आप इसको आयन में तोड़िए, इसे हाइड्रोलाइज कराइए। जैसे ही आप आयन में इसे तोड़ेंगे यह तुरंत टूटेगा, 4K+, है ना। अब 4K+ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4+ तैयार हो गया है, और आप ही बताइए कि अगर 4+ कोई चीज़ टूट रहा हो तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 4- चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे का पार्ट बचा हुआ है उसके ऊपर 4- ही आएगा, इसलिए क्योंकि 4+ को न्यूट्रल करने के लिए 4- चाहिए, ठीक। अब यह 4- जो है, यह 4- जो है, यह पूरे कॉम्प्लेक्स का 4- है, पूरे कॉम्प्लेक्स का है, तो इसलिए हम यहाँ पर रियल नहीं पता पर लगा पा रहे हैं कि इसमें साइनाइड को जब यह अरेंज कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, तो उसमें यह अपना कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और इसके पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, और इसी को तो हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ, अभी हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए आयरन को क्या जरूरत थी साइनाइड के लिगेंड को, साइनाइड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने को, है ना। देखिए, तो हमने बताया कि कोई भी परमाणु चाहता है कि वो अस्थायी हो जाए, अस्थायी होने के लिए वह सीएन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका मतलब कैसे यह चेक किया जाए कि FeCN का होल से 4- अब अस्थायी हो चुका है, इसके लिए सबसे पहले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका निकालना होता है उसे हम यक्ष मान लेते हैं, तो इसे हमने क्या मान लिया, यक्ष मान लिया। फिर मैंने क्या किया, प्लस किया, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो 6 लिगेंड है वो साइनाइड लिगेंड था। अब हमको यहाँ पे जानना होगा द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेचर क्या है, वह न्यूट्रल है कि वह एनायन है। अगर हम यह जान लेते हैं तभी तो जानेंगे कि क्या, यानी इसका फॉर्मल चार्ज क्या है। तो साइनाइड के ऊपर ऑलवेज 1- चार्ज, यानी साइनाइड का फॉर्मल चार्ज -1 होता है। तो जब एक साइनाइड का फॉर्मल चार्ज -1 है तो 6 साइनाइड का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -6 होगा, है ना। तो इस तरीके से यक्स हो गया, और प्लस माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे मैथमेटिकली प्लस माइनस से माइनस, अल्जेब्रिक फार्मूला, यक्स -6 हो गया बराबर क्या हो गया, -4 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको पाठांतर करेंगे, तो यक्स रिजल्ट क्या हो गया, -4+6, तो यक्स बराबर क्या गया, +2। तो हम यह जान गए कि जो 26 आयरन होता है और वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है, तो इसका मतलब 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। जब यहाँ पर 24 आ गया तो हम इसको चेक करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा 24 यानी 24 प्लस 2 × 6 क्यों किया, क्योंकि 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स थे, और 2 क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूले में ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड।
टोटल 24 प्लस 12 सम किया मैंने, 36 आ गया, जो कि यह साबित कर रहा है कि K4 या फिर CN का होल 6 ऑलरेडी इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो कर रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर। तीसरा एग्जांपल के रूप में आते हैं और इसको भी एकदम पूरी तरह से चेक करके कि यह हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये देख सकते हैं। मैंने लिया एनाइल CN का होल 4 2 माइनस, एनाइल कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो लिगेंड है 4 है, तो 4 को कनेस्टिन टेट्रा कहते हैं, तो एनाइल CN का होल 4 2 माइनस हो गया। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम ऑक्सीजेशन नंबर निकालेंगे, और इसके लिए हमने क्या किया, यक्स मान लिया, और जैसे ही मैंने यक्स मान लिया तो यक्स प्लस हो गया, साइनाइड के ऊपर माइनस 4 था तो 4 माइनस हो गए, और ऑल ओवर क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। तो इस प्रकार से यक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 हो गया, और यक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 2 प्लस 4 हो गया, तो यक्स बराबर क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। 28 एनआई प्लस 2 बराबर क्या होगा, 28 में से 2 घटा दिया क्या हो गया, 26 हो गए, और जैसे ही 26 हो गए तो EN बराबर क्या हो गया, 26 प्लस 2 गुणते 4, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 है, इस तरीके से 26 प्लस 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया, 34 इलेक्ट्रॉन हो गया। आना कितना चाहिए था, 36 आने चाहिए थे, बट आया कितना, 34, इसका मतलब 36 से डिजिट कम है, और यह साबित हो रहा है कि NICN का होल फॉर 2 माइनस नॉट फॉलो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता है। टुडे विल डिस्कस 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, NS2, NP6, N-1, D1-10 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल 18 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वह आर्गन के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियान के पास 10, आर्गन के पास 18, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन, यानी एस उसको उसका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस P6 इलेक्ट्रॉन, N-1 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल डी ब्लॉक ट्रांजिशन 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तब वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। मीन्स जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं उसका ऑलरेडी NS3, NP6, N-1, D10 होता है। ठीक है, तो गाइस 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालेंगे कैसे, कैसे कॉम्प्लेक्स का पता लगाएंगे कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आप ये जनरली जान लीजिए कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो बस बात यहाँ होती है कि जहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर लेते थे उसी की जगह पे हम क्या ले लेंगे, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ले लेंगे, तो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इक्वल द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड, मीन्स दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गुणते नंबर ऑफ लिगेंड, संकुलों की संख्या को 2 का गुणा कर देंगे, टोटल सम ऑफ जो आएगा वही उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहलाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में 18 होना जरूरी है, अगर 18 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह फॉलो नहीं करेगा, या 18 से अबव आते हैं, जैसे मान लीजिए 70 इलेक्ट्रॉन आ गया तो नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मान लीजिए 19 आ गया नॉट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। फॉर एग्जांपल द CuNH3 का होल 3 प्लस, मीन्स हेक्साएमीन कोबाल्ट 3। अगर मैं इसमें पूछूं कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले उसी तरीके से पिछली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ही प्रोसेस करके हम करते हैं। देखिए कैसे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CuNH3 का होल 3 प्लस, CuNH3 का होल जो 3 प्लस है उसमें सबसे पहले हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने जिसका निकालना उसको एक मान लिया, प्लस किया, 6 किया, और ये न्यूट्रल लिगेंड था इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया, तो x प्लस 6 0 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी आपको लर्न होना चाहिए,
तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27 होता है, और 80 जैसा नंबर क्या आ गया, प्लस 3 आ गया। तो इसका मतलब कोबाल्ट जो है वह ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो अब वहाँ पर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की तरह इसे 24 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँगा ऑफ अबाउ के अनुसार। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अबाउ रूल्स है, वी कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वी कैन राइट ऑर्गन मोड ऑफ ऑर्गन मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 4s2 आप करते तो 20 होता, और फिर यहाँ साथ करते 27 होता, बट यहाँ पे प्लस 3 दिया हुआ है। तो प्लस 3 का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव जो कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि आपने 4s0 क्यों किया, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु के बाहरी कोष से निकलता है, और बाहरी कोष से एनी इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल इन एनी आइसोलेटेड गैसीयस स्टेट में या एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो वह बाहरी कोष से होता है, बिकॉज एज वेल एज इंक्रीजेस द आउटरमोस्ट सेल डिक्रीजेस द न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे जैसे नाभिकों जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती है उस पर नाभिकीय बल कमजोर होता जाता है, इसलिए आसानी के साथ बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाले, अब यहाँ पर हमें दिखा सकता हूँ कि 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप कहेंगे कि 4 बड़ा, तो हम कहेंगे पहले 3 लिखोगे कि 4, तो आप कहेंगे पहले हम 3 लिखेंगे तब 4, तो बाहर में कौन पड़ा, 4 पड़ा, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से रिमूव होगा, 4 से होगा। तो इसका अपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 2 यहाँ से, और यहाँ पे 7 होता उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो गया, तो टोटल बच कितना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आयरन जो कोबाल्ट था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बोल रहा है, द वैलेंसी 80 इलेक्ट्रॉन रूल इक्वल द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको मालूम करना है, फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ लिगेंड है संकुलों की संख्या जो है उसको चॉइस करनी है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मेरा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ लिगेंड का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6 आ गया। और 80 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत 80 इलेक्ट्रॉन रूल बराबर मैंने क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ये वाला 2, और फिर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन ये कर दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन ये, तो 12 6 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने पाया कि यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, C1H3 का होते 3+। अगला उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पूछ लिया K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यू कैन डिटरमाइन द 80 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो आर नॉट फॉलो। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि K4FeCN का होल 6 है और यह 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए आप इसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इसे लिखेंगे 4K+FeCN का होल 6 4- लिखेंगे, तो आप 4- जैसे लिखेंगे तो फिर पुरानी परंपरा के अनुसार पुराने तरीकों के अनुसार है ना, आप इसे क्या मानेंगे, यक्त मानेंगे। और यहाँ पे कितना है, 6 है, साइनाइड का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1 होता है, तो मैंने -1 लिख दिया, तो यक्त प्लस 6 - 1 इक्वल क्या हो गया, -4 हो गया, तो यक्त हो गया, और प्लस माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये क्या है, 6 है, तो यक्त माइनस 6 बराबर क्या हो गया, -4 हो गया, तो यक्त बराबर क्या हो गया, माइनस प्लस से क्या होगा, माइनस प्लस से माइनस होता है, बट यह इस डिजिट का साइन ज़्यादा, यह साइन का डिजिट ज़्यादा है इसलिए उसकी साइन को हम उतारेंगे, तो +2 हो गया, तो यक्त बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ 26Fe+2 बराबर ऑर्गन 4s0 3d6 है ना, क्योंकि ये आउटर मोड सेल होगा 4s, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, 3d6 हो गया, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 हो गए। अब इस प्रकार से नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं भाई, 6 लिगेंड है, तो फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत है ना क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 6 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे, 80 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि FeCN का होल 6 4- फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रोल लिगेंड्स। हियर लिगेंड्स, लिगेंड्स आर दोज वीट हैव एट लीस्ट
वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स वह कहलाते हैं जिनके पास कम से कम एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एलपीएस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द सेविंग इलेक्ट्रॉन इन स्टेट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी टू बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए हमने आपसे बताया था कि जो परमाणु होता है वह एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है, क्योंकि वह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अपनी बाहरी कोष में कोई भी परमाणु यह चाहता है कि कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसलिए वह बॉन्ड बनाता है। लेकिन हमारे पास कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो अष्टक पूरा कर लेते हैं और उसके बावजूद भी उनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं अमोनिया को, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल है, आप इसको देख सकते हैं। अमोनिया में इसका जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका बोरबरी के अनुसार मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो हमने पाया 2 और 5। तो इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास इच हाइड्रोजन आल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैक्सिमम भी मान सकते हैं और मिनिमम भी मान सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कम से कम भी एक ही मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यह चाहता है कि उसके पास 8 तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्योंकि इसको 8 होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसको 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कहता है कि आप 3 लोग आइए और 3 एक्सिस से हमको घेर लीजिए, सराउंडिंग कर लीजिए और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको शेयरिंग कर दीजिए, यानी आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और हम आपको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें। जहाँ पर परमाणुओं के बीच में आपसी समझौते के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होती है, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सह संयोजक बंध बनता है। सह संयोजक बंध, सह माने साथ, संयोजक मीन्स जोड़ना, बंध मीन्स बंध बनाना, आपस में तालमेल के द्वारा जब बंध बनता है तो उसे हम सह संयोजक बंध कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया और नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, इस तरह से तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की एक एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और इस तरीके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा ऐसा इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है, यानी यह डोनर इलेक्ट्रॉन है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर दोज व्हिच आर आल्सो हैविंग ड्यू टू द फॉर्मेशन बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लीस्ट। यानी बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसके पास कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा रहना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक एक संयोजक बंध बॉन्ड बना रहा है, संयोजक बंध बना रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास अभी एक जोड़े का इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा हुआ है जो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आप परिभाषा के अनुसार द लिगेंड्स आर दोज व्हिच हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लिगेंड्स वही कहलाते हैं, लिगेंड्स वही हो ही सकते हैं। लिगेंड्स की शर्त है कि उसके पास कम से कम एक जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहना चाहिए। तो यहाँ पर अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए यह लिगेंड कहलाएगा, यह लिगेंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी करेक्टर है, ये तो इसकी पहली पॉइंट थी जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। दूसरी पॉइंट देखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हैविंग रिच मॉलिक्यूल, हमेशा जितने भी रिच मॉलिक्यूल होंगे इलेक्ट्रॉन के धनी अणु होंगे, उन्हें ही लिगेंड कहलाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के धनी जो होते हैं उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और किसी लिगेंड को बनने के लिए, उपस्थित होने के लिए, अपने दर्ज करने के लिए कि मैं लिगेंड हूँ, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। लिगेंड्स ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग, लविंग का मतलब प्रेम करना, प्यार करना होता है, यानी
न्यूक्लियस से हमेशा प्यार करता है, यानी कौन करेगा? रेडायन। क्यों? एनायन हमेशा करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी परमाणु का समस्त धनावेशी क्षेत्र उसके केंद्र में होता है, रदरफोर्ड ने बताया हुआ था। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव किसको लविंग करेगा? निगेटिव को करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ लिगेंड क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। लिगेंड्स ऑलवेज निगेटिव, ये निगेटिव होते हैं, इसलिए किसको लविंग करेंगे? पॉजिटिव को। पॉजिटिव कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। इसलिए लिगेंड क्या होते हैं? ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये सभी सारे करेक्टर आपके न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होते हैं, रिच मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके पास एक लोन 13 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। द सेविंग इलेक्ट्रॉन इनस्टेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, शेयरिंग करते समय जो इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन बचेगा वही इलेक्ट्रॉन लोन 13 इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स ऑलवेज पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल NF3 ये आपका लिगेंड है, CN1- यह एक लिगेंड है आपका, ट्राई एथिल फॉस्टीन हियर, NH2CH2CH2NH2 हियर, NH2 मीन्स एमीन एंड CH2CH2 मीन्स इथाइलीन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एमीन? देर आर 2 एमीन, सो दैट 2 इज इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री 2 इज द डाई, सो दैट इसे हम डाई बोलेंगे, डाई एमीन बट इथाइलीन, इथाइलीन डाई एमीन, क्या बोला जाएगा? इथाइलीन डाई एमीन इन है। तो इस तरह से आप देखें कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड की एक शर्त होती है कि उसमें एक जोड़ा लोन 13 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और लोन 13 इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो बांड बनाने के बावजूद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन 13 इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के जो धनी अणु होते हैं उनके पास होता है, और लिगेंड हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, लिगेंड हमेशा नकारात्मक होते हैं, और यह हमेशा रिच मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जैसे लिगेंड में अमोनिया देख सकते हैं, साइनाइड देख सकते हैं, और ट्राई एथिल फॉस्फीन देख सकते हैं, इथाइलीन डायमीन ETC। ओके ओके, थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, वी कैन क्लासिफाइड द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर अप्रोच्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु को जितने जोड़े का इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है उसके देने के आधार पे लिगेंड को बंटवारा किया जा सकता है। अगर वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, अगर वो दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा बाईडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, तीन देगा ट्राईडेंटेड जो पॉलीडेंटेड में आते हैं, छह देगा हेक्साडेंटेड, और वैसे तमाम ऐसे लिगेंड भी आते हैं जो ऑलरेडी कभी कभी मोनो और बाई दोनों का बिहेवियर करते हैं, जिन्हें हमें बीडेंटल लिगेंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि लिगेंड को क्लासिफाइड करते समय हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन का डोनर कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, वह कितना कर रहा है। फिलहाल ऑन द नंबर ऑफ लोन 13 इलेक्ट्रॉन वी कैन क्लासिफाइड, देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लिगेंड। फर्स्ट इज द मोनोडेंटल लिगेंड। तो मोनोडेंटल लिगेंड्स डिटेल हियर ए लिगेंड व्हिच शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सिंगल डोनर एटम विद ए मेटल एटम आर आयन इज कॉल्ड ए मोनोडेंटल लिगेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए लिगेंड्स विच शेयर, ऐसा संकुल, एक संकुल जो शेयर कर रहा हो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे रहा हो, आज ए सिंगल डोनर एक जोड़ा दे रहा हो विद ए मेटल एटम एक धातु परमाणु को आर आयन या आयन को इज कॉल्ड ए मोनोडेंटल लिगेंड, उसे हम मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। तो आपने परिभाषा में देखा कि मोनोडेंटल लिगेंड वह कहलाएंगे जो ऑलरेडी एक धातु परमाणु को ऑलरेडी अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहे हों, तो वह मोनोडेंटेड कहलाएंगे। ठीक है, द वर्ड मोनोडेंटेड कम फ्रॉम द ग्रीक वन मोनोस एंड लेटिन डेंटिस कॉमा मोनोस मीन्स वन टूथ। यहाँ पे आप देखिए इसका अर्थ निकल रहा है कि जो शब्द मोनोडेंटल लिया गया है वह ग्रीक भाषा के मोनोस से लिया गया है, जिसे हम लैटिन वर्ड में मोनोस से लिया गया है, और जो डेंटिस है वो लैटिन भाषा के लिए है। मोनोडेंटेड में दो शब्द छिपा हुआ है, एक शब्द तो उसका मोनो मीन्स मोनोस जो ग्रीक लेटर का है, और दूसरा है डेंटिस जो लैटिन वर्ड का है जिसका मतलब होता है दांत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयरफॉर
इट मीन्स दैट ए मोनोडेंटल लिगेंड्स बाइट्स ए मेटल केटायन आर एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह कह रहा है कि इसका मतलब यह होता है कि जो मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं वह काट रहे हैं तोड़ रहे हैं बांट रहे हैं किसको, मेटल केटायन को धातु परमाणु को यानी आयनिक केटायनिक धातु परमाणु को वह एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा काट रहे हैं, एक तीर से मार रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मोनोडेंटस देर आर इंक्लूडिंग द टू वर्ड मोनो एंड डेंटेड। मोनो इज द टेकिंग फ्रॉम द ग्रीक लेटर्स मीन्स मोनोस मीन्स वन एंड द डेंटिस इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स टूथ। व्हेन एनी लिगेंड्स बाइट टू ए वन सेंट्रल मेटल एटम बाइट वन डोनर एटम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन एज मोनोडेंटल लिगेंड्स। तो मोनोडेंटल लिगेंड्स देर आर टू टाइप्स हियर, न्यूट्रल लिगेंड्स कुछ उदासीन लिगेंड्स होते हैं जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बोनिल हो गया, ईटीसी, ये सारी चीज़ें मोनोडेंटल लिगेंड्स होती हैं। अब उसके बाद निगेटिव लिगेंड्स में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मैं अगले लेक्चर में आपको और इसके टाइप में और डिटेल एग्जाम्पल ले करके आऊँगा, और सारे एग्जाम्पल ले करके आऊँगा। बट आप यहाँ पर जो इसको देख सकते हैं, लिगेंड्स का नामकरण करते समय अगर वो निगेटिव वाले हैं तो उनके लास्ट में ई को हटा करके ओ लगा देते हैं। जैसे एफ वन माइनस है, एफ वन माइनस जिसे हम फ्लोराइड पढ़ा करते थे, आज देखिए यह फ्लोरो हो गया है ना। बी आर वन माइनस क्या पढ़ा गया, ब्रोमो, ये निगेटिव लिगेंड्स हैं। सी एल वन माइनस क्या पढ़ा गया भाई, क्लोरो पढ़ा गया है ना। सी एल वन माइनस क्या पढ़ा गया, साइनाइडो या साइनो पढ़ा गया। या सी एन वन माइनस, या सी एन क्या है, वन माइनस है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, थायोसाइनाइडो, यस, क्योंकि यस टर्मिनल है, यस कोऑर्डिनेट कर रहा है। एन सी एस आइसोथाइनाइसाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो जिसे हम एन टर्मिनल दिखा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड एन ओ थ्री वन माइनस नाइट्राइटो एन, सिंगल बॉन्ड एन ओ टू वन माइनस नाइट्राइटो एन, ओ एन ओ लिख देंगे तो इसका मतलब ओ कोऑर्डिनेट कर रहा है। बस गाइज आज इतना ही, नेक्स्ट डे मैं इसको डिटेल आपको बताऊँगा। ओके, थैंक्स।